Hello students, today we are back to teach you about the next topic of the chapter electricity. In previous video, we studied about electric charge and electric current. Electric charge an equal number of protons as compared to electrons. Flow of charge per unit time is called current. In this video, we are going to study about how does the charge flow, why does the charge flow, why there is a flow of charge. For knowing this, we must know the meaning of the word electric potential. For understanding what do you mean by electric potential, first of all, we must have a view of these pictures. In this picture, you are seeing three isolated positive charge Q1. We know that the influence of charge Q1 is up to this line, not beyond this line. जैसे क्लास में अगर टीचर पढ़ाती है तो उनका इन्फ्लुएंस बेटा कहाँ तक रहता है? जब वो जब तक वो क्लास की बाउंड्री के अंदर होती है. लेकिन जब वो क्लास की बाउंड्री से बाहर आ जाती है तो उनका इन्फ्लुएंस कम हो जाता है. इसी तरह से इस Q1 चार्ज का इन्फ्लुएंस कहाँ तक है? उस लाइन तक है, उस लाइन से बाहर नहीं है. वो ना के बराबर है किस पॉइंट के लिए? इन्फिनिटी पॉइंट के लिए. अगर हमारे को इन्फिनिटी से एक चार्ज को मूव कराना है, ए पॉइंट पर लेके जाना है, तो हमें कुछ काम करना पड़ेगा ना. एक रिपल्सिव फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा. अगर मेरे को एक बुक एक प्लेस से दूसरी बुक प्लेस तक लेकर के जानी है तो हमें काम करना पड़ता है ना. इसी तरह से एक चार्ज को हमने इन्फिनिटी से ए तक लेकर जाना, उसमें भी काम करना पड़ा. और इसी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं. वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट. अगर हम फर्दर कंसीडर करें, अगर हमारे को क्यू चार्ज को मूव कराना है, ए से बी पर मूव कराना है, ए से कहाँ मूव कराना है? बी पर मूव कराना है, तो उसके लिए भी हमारे को क्या करना पड़ेगा? वर्क करना पड़ेगा ड्यू टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स. अब ये जो वर्क डन हमने करा है एक चार्ज को दूसरी पॉइंट से मूव कराने के लिए, इसी को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. अगर इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट लेकर जा रहे हैं तो उसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं. और अगर एक चार्ज के अंदर हम ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर के जा रहे हैं तो हम उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं. सो हाउ वी कैन डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल? वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट एंड इट इज डिनोटेड बाय वी. Difference in electric potential between two points is called electric potential difference. It can be defined as the amount of work done in moving a unit of positive charge from one point to another point. It is given by V equal to W upon Q. And we all know the SI unit of work is joule and SI unit of charge is coulomb. Therefore, the SI unit of electric potential is joule per coulomb, which is equal to 1 volt, which is equal to volt. And how it get the volt? Due to as it is given by the scientist Alessandro Volta. So, honoring the scientist, the SI unit of electric potential is volt. It is a scalar quantity. Now, if you want to define 1 volt, 1 volt को define करना, अभी हम लोगों ने formula पढ़ा बेटा, 1 volt equal to 1 joule per coulomb. अगर हम इसी को consider करें, when 1 joule of work is done for carrying 1 coulomb charge, the potential difference between the two points is said to be 1 volt.
How is it measured? It is measured by the voltmeter. Voltmeter, ये देखो ये पिक्चर में हमने क्या शो करा है, यहाँ पे voltmeter शो करा है. ये जो रेड नज़र आ रहा है ये पॉजिटिव है, जो ब्लैक है ये नेगेटिव है इसका, ठीक है. और ये निडल होती है जिससे कि हम लोग कनेक्टिविटी बनाते हैं. और इसके साथ साथ बेटा voltmeter हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा. ये जो आपको एक्स नज़र आ रहा है ये रेजिस्टेंस है, और ये आपका देखो एमीटर हमेशा किस में कनेक्टेड है, सीरीज में. वोल्टमीटर हमेशा किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है. क्यों पैरेलल में कनेक्टेड है, क्योंकि इसका हाई रेजिस्टेंस होता है एंड टेक्स अ नेग्लिजिबल अमाउंट ऑफ करंट फ्रॉम द सर्किट. कि वे जो आपका सर्किट में इसे पैरेलल में इसलिए अटैच किया जाता है जिससे कि ये ना के बराबर करंट ले. अब हमने यहाँ तो ये पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि, और अब हमें ये पढ़ना है कि करंट कैसे फ्लो करता है, ठीक है. करंट फ्लो करने के लिए अभी तक हम लोगों ने, मैंने आपको बताया कि करंट फ्लो करता है, चार्ज होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. अब ये चार्ज क्यों फ्लो करता है, आप ये देखिए इस वाली फिगर में आपका चार्ज एक्यूमुलेट कर रहा है. यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है. ये जो पॉजिटिव चार्ज है आपका ये हाई पोटेंशियल है, और जो ये नेगेटिव चार्ज है ये आपका लो पोटेंशियल है, ठीक है. जब हमने इसको मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया, किससे कनेक्ट कर दिया, मेटल वायर से कनेक्ट कर दिया. अब मेटल वायर में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो गए. अब आपका जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन करंट कहाँ फ्लो कर रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो कर रहा है. तो और ये किसकी वजह से पॉसिबल हो पा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से हो पा रहा है. कि आपका जो चार्ज फ्लो करेगा उसमें कहाँ से कहाँ इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ फ्लो करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव. और करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल. यानी पॉजिटिव चार्ज कौन सा हुआ, जो हाई पोटेंशियल हुआ, और लो नेगेटिव चार्ज क्या हुआ, लो पोटेंशियल. और जो हमारा हाई पोटेंशियल होता है बेटा वो 220 वोल्ट होता है, कितना होता है 220 वोल्ट. और लो पोटेंशियल हमारा 0 वोल्ट होता है, लो पोटेंशियल हमारा कितना होता है 0 वोल्ट होता है. करंट हमेशा कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, 220 वोल्ट टू 0 वोल्ट करेगा. तो और एक मेटल वायर में बिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं प्रेजेंट, जिसके थ्रू आपका चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है. फिर उसके अलावा बेटा आपका, अब हमें अब करंट मैंने बता दिया फ्लो करेगा, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल फ्लो करेगा आपका. अब कॉन्टिन्यूस फ्लो कैसे करेगा, देखो अगर मैं दो बीकर ले रही हूँ, ये फर्स्ट बीकर है और ये सेकेंड बीकर है. अब ये दोनों में पानी का लेवल क्या है, सेम है. दोनों में पानी का लेवल सेवल है तो पानी फ्लो नहीं करेगा, पानी फ्लो नहीं करेगा. अगर आपका पानी का फ्लो करवाना होता है तो हमें एक प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना पड़ता है. थोड़ा सा यहाँ पर एक हाई प्रेशर एरिया हो गया, ये लो प्रेशर एरिया हो गया, यहाँ पर हमने पंप लगा दिया. अब पानी कहाँ से कहाँ जाता है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया जाता है. इसी तरह से आपका जो अगर हम देखें टेम्परेचर कैसे फ्लो करता है, टेम्परेचर का फ्लो करता है. अगर एक हमारे हाथ बहुत गर्म है, ठीक है ना, और हम आइस क्यूब ले लें तो हमारी बॉडी से हीट निकलती है और आइस मेल्ट कर जाती है. यानी आपकी गर्म से कहाँ की तरह हो गया, ठंडे की तरह हो गई. हीट कब फ्लो करी, जब दोनों में टेम्परेचर डिफरेंस हुआ. इसी तरह से अगर आप देखें भाई, अगर हम ये देखें एग्जाम्पल कि जो बॉल होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है, क्या नीचे से ऊपर की तरफ जाते हुए देखी, नहीं जगह. और अगर सेम लेवल पर तो बॉल मूव नहीं करती. आपकी हमेशा कहाँ से कहाँ आती है, ऊपर से नीचे की तरफ आती है. तो ये जो पोटेंशियल है, यहाँ पे पोटेंशियल हमारा टेम्परेचर हो गया, लेवल हो गया, हाइट हो गया. तो इसमें किसकी वजह से फ्लो कर रहा है, अगर आप देखें कि आपका पानी किसकी वजह से आया, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर एरिया आया. टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर एरिया आया. बॉल कहाँ से आई, हाइट से नीचे की तरफ आए. इसी तरह से चार्ज हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल मूव करता है, और साथ में आपका इसी तरह से चार्ज फ्लो करता है. आगे मोर ओवर अगर मैं इस इलेक्ट्रिक सर्किट को ले रही हूँ, ये बल्ब है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये की है, लेकिन ये बीच में से टूटा हुआ है,
यहाँ पे तो कुछ कनेक्टिविटी नहीं है, तो क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ बैटरी से कनेक्ट कर देती हूँ, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल है, एक नेगेटिव टर्मिनल है, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा और आपका बल्ब क्या कर जाएगा? ग्लो कर जाएगा। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे मेंटेन किया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी से मेंटेन किया जाता है। बैटरी लगाते ही आपका पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। आज हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन इन कैरिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। इट्स ऐसा यूनिट इज वोल्ट, इट इज मेजर्ड बाय वोल्ट मीटर फर्दरमो एंड द फॉर मेंटेनिंग अ पोटेंशियल डिफरेंस देयर इज अ नीड ऑफ अ बैटरी थ्रू विच द करंट ड्यू टू विच द करंट कैन फ्लो। थैंक यू। दिस इज ऑल अबाउट द टूडेज टॉपिक।